हमने देखा ही इज एज द ट्रू ऑफ इन इंडिया एंड हमने देखा कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनके क्या बेसिक आइडियाज रहे सोशोलॉजी को इंडिया में डेवलप करने में उनके मेजर लाइफ इवेंट्स क्या थे इसी में हमने पढ़ा कि जीएस घुरिये जो हैं वो कास्ट एंड रेस इन इंडिया इसके ऊपर अपने थाट्स अपने व्यू पॉइंट्स लिखते हैं ठीक है और ये कैम्ब्रिज में जो है पब्लिश हो जाती है ये हमने उनके मेजर लाइफ इवेंट्स जब पढ़े थे तब हमने वहां पर डिस्कस किया था सो so, जी एस घुरिये ने कास्ट एंड रेस के ऊपर अपने क्या थाट्स दिए उनके क्या आइडियाज थे ये सारी चीजें डिटेल में हम हमारे आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सो so, जीएस घुरी ऑन कास्ट एंड रेस ये है हमारा आज का टॉपिक ओके डिटेल में समझेंगे रेस और कास्ट को लेके उनके अपने क्या व्यू पॉइंट थे आपने अभी तक कास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है ठीक है कास्ट सिस्टम जो है वो इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करता है रेस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ठीक है रेस या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट है साउथ अफ्रीका का ठीक है कास्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे कास्ट में हमारे यहां पर है ना कि चतुर्वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है शूद्र है फिर उसके बाद में जो है अनटचेबल्स कास्ट इमर्ज होती हैं धीरे धीरे टाइम के साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में व्हाइट एंड ब्लैक्स को लेके जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है अगेन इसे आप ट्वेल्थ क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेकिन ये रेस और कास्ट ये आपने कॉन्सेप्ट क्या है कहाँ से मर्ज हुआ है और क्या इसके अंदर कहा जाता है बहुत कम मतलब शब्दों में बहुत छोटा सा जो आइडिया है वो आपने एक समझ लिया है अब ये दोनों के ऊपर जीएस घुरी के क्या अपने थॉट्स थे इसे हम डिटेल में समझेंगे क्लियर है यहां तक सो so, जीएस घुरे अकेडमिक रेपुटेशन वॉज द बेसिस ऑफ हिज डिसर्टेशन एट कैम्ब्रिज लेटर पब्लिश्ड एज कास्ट एंड रेस इन इंडिया इन नाइन थर्टी टू अब देखिए जी एस घुरे का अकेडमिक रेपटेशन जो है वो जब अपनी डॉक्टर थीसिस पब्लिश करते हैं कैम्ब्रिज में तब से स्टार्ट होता है और ये फिर जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया इसके नाम से नाइनटीन थर्टी टू में पब्लिश होती है ठीक है घुरियज वर्क अट्रैक्टेड अटेंशन बिकॉज इट एड्रेस द मेजर कंसर्स ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एट दाइम घुरिये के जो वर्क हैं उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है और जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि बेसिक जो या फिर हम ऐसा कहें कि जो फर्स्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है सोशोलॉजी का एज एन एज एन डिसिप्लिन इन इंडिया वो जो है जीएस घुरिये के थाट्स उनके वर्क्स से ही स्टार्ट होता है तो वैसे ही जो जीएस घुरिये का वर्क है उनको बहुत अटेंशन मिलता है टाइम के साथ में और मेजर कंसर्न जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वो रहा है जीएस घुरिये जो हैं वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को ध्यान में रखते हुए फिर कैसे कैसे उसको सोशोलॉजी में डेवलप करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस होता है तो ये एक शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है जी एस के बारे में जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं नाउ इन दिस बुक इन दिस बुक दैट इज कास्ट एंड रेस इन इंडिया घुरिये प्रोवाइड्स आ डिटेल्ड क्रिटिक ऑफ डोमिनेंट थ्योरीज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड रेस अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो कि 1932 में पब्लिश होती है इस बुक के अंदर क्या होता है जो घुरिये हैं वो उस समय की जो डोमिनेंट थ्योरीज थी किस समय की हम बात करें घुरिये का जो टाइम पीरियड है 1893 से 1981 यही अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली जो है उनका यही शायद से टाइम पीरियड है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था लेकिन उनका बर्थ 1893 में होता है ठीक है मालवा में होता है सर क्या है कि उन्होंने अपने इस टाइम पीरियड उनका ये जो टाइम पीरियड है इस समय में जब उनकी बुक पब्लिश होती है 1932 इससे भी पहले जो उस समय की डोमिनेंट थ्योरीज थी कैसी थ्योरी थी डोमिनेंट थ्योरीज जैसे कि हमने चैप्टर फोर जब कार्ल मार्क्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है वैसे ही डोमिनेंट थ्योरीज़ यानी उस टाइम पीरियड में जो भी थ्योरीज प्रिवेल कर रही थी जो भी आइडियाज़ थे वो जो डोमिनेट कर रहे थे ठीक है सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे थे उस समय की जो डोमिनेंट थ्योरीज थी इन्होंने कास्ट और रेस इसके बीच में क्या रिलेशनशिप बताई है उसका डिटेल्ड क्रिटिक किया है जीएस घुरिये ने क्या किया है उन्होंने उनकी जो बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये 1932 में पब्लिश होती है और जब उन्होंने लिखा इस बुक को उसके पहले जो भी डोमिनेंट थ्योरीज थी उस टाइम की ठीक है डोमिनेंट थ्योरीज ये डोमिनेंट थ्योरीज रेस एंड कास्ट इन दोनों के बीच में किस तरह का एक रिलेशनशिप बताती है उसको क्रिटिकली एनालाइज या फिर डिटेल में क्रिटिक किया है किसने जी एस घुरिये ने अपनी इस बुक के अंदर क्लियर है क्या किया है उन्होंने डोमिनेंट थ्योरीज कास्ट और रेस के बीच में क्या रिलेशनशिप बताती हैं उसको डिटेल में क्रिटिसाइज किया है जीएस क्लियर है यहां तक आया समझ में कि बुक क्या है क्या है और उसके अंदर क्या चीजें हमने इंक्लूड की हैं अब उनके क्या आइडियाज हैं वो हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे और उस समय की डोमिनेंट थ्योरीज क्या थी हम ये भी समझने वाले हैं एक चीज मैं आपको पहली बता दूं कि आप यहां पर किसी की भी थ्योरी पढ़िए कोई भी सोशलॉजिस्ट हो कोई भी थिंकर हो तो जब आप उनकी थ्योरी को पढ़ते हैं सो वो उनके अपने आइडियाज़ होते हैं उस एक टाइम पीरियड के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइनटीन में बुक पब्लिश हुई है तो उन्होंने ना जाने कब से लिखना स्टार्ट किया होगा शायद नाइनटीन से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया होगा उसके समय जो उनके समय यानी उस टाइम पीरियड में मान लेते हैं नाइनटीन वन से लेके 1920 मान लेते हैं ठीक है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है इस टाइम पीरियड में जो डोमिनेंट थ्योरीज थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने थ्योरी लिखी और वो पब्लिश हुई नाइनटीन में जिसे आज आप पढ़ रहे हैं आज आप अपने प्रेजेंट टाइम में इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो आइडियाज हैं वो जो थॉट्स हैं वो उस एक टाइम पीरियड के उन्हें आपको कहीं भी आज से रिलेट नहीं करना है तो जैसे आप कास्ट एंड रेस पढ़ेंगे तो आपको यह नहीं सोचना है कि जीएस घुरिये ने जो बात कही पर ऐसा तो होता नहीं है प्रैक्टिकली क्योंकि वो 90s के टाइम की बात कर रहे हैं ठीक है कब की बात कर रहे हैं ट्वेंटी एथ सेंचुरी नाइनटीन नॉट वन या नाइनटीन ट्वेंटीज उस एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो आपको जब उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको उसी टाइम में चले जाना है जब भी हम किसी भी थिंकर को पढ़ें किसी भी सोशोलॉजिस्ट को पढ़ें तो जो उनके टाइम पीरियड में उन्होंने लिखा है आपको उस एक टाइम पीरियड को जो है बिल्कुल इमेजिन कर लेना है तब उनकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ठीक है सो अब यहां पर जैसे

ठीक है और यहाँ पर जितने भी थॉट्स हैं वो सब जीएस घुरी के हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी थॉट मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूं अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला है ये आपको आगे चल के जब हम उनके थॉट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्लियर है सो देखिए हर्बर्ट रिसले ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल हु वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर्स वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ डोमिनेंट व्यू हर्बर्ट जो की एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर है और ये जो है एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें इंटरेस्टेड थे एंथ्रोपोलॉजी में एंड ही वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द डोमेंट व्यू और उस समय में जो डोमिनेट थ्योरी चल रही थी जो डोमिनेंट व्यू था उसके मेन प्रोपोनेंट थे हर्बर्ट रिसले ठीक है दिस व्यू हेल्ड दैट ह्यूमन बींग्स कैन भी डिवाइडेड इंटू डिस्टिंग एंड सेपरेट रेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये डोमिनेट व्यू क्या कहता था ये आपको समझना है और आपको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है डोमिनेट व्यू ये कहता था कि ह्यूमन बींग्स को हम डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिस्टिंट हैं सेपरेट रेसिस हैं कौन है सेपरेट रेसेस हैं। उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उन्हें जो है डिस्टिंगइज कर सकते हैं जैसे कि सर्कम फेरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द नोस और द वॉल्यूम ऑफ द क्रैनियम और द पार्ट ऑफ द स्कल वेयर द ब्रेन इज लोकेटेड यानी कि जो स्कल होती है ठीक है उसका कितना सर्कम फेरेंस है साथ ही साथ में उनकी नोस की लेंथ कितनी है फिर जो क्रैनियम होता है क्रैनियम मतलब कि वो पार्ट स्कल का जहां पर ब्रेन लोकेटेड होता है उस पार्ट का जो है वॉल्यूम कितना है इसके बेसिस पर और भी एक्सेट्रा इन सारी चीजों के बेसिस पर हम जो है ह्यूमन बीइंग्स को डिस्टिंगविश कर सकते हैं या फिर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं क्लियर है क्या चीज कही मैंने आपसे समझते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर डिस्टिंक्ट ओके एंड वी कैन डिवाइड देम ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टर्स कौन-कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो दैट इज स्कल सर्कम फेरेंस ऑफ स्कल फेरेंस ऑफ स्कल लेफ नोज एंड वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम क्या वो पार्ट स्कल का जहां पर जो ब्रेन है वो लोकेटेड होता है ठीक है सो इन बेसिस पर हम ह्यूमन बींग्स को डिस्टिंग्गाइज़ या डिवाइड कर सकते हैं अब ये किसने कहा है ये हर्बर्ट रिसले की डोमिनेंट व्यू जो थ्योरी है हर्बर्ट रिसले ठीक है इनका जो डोमिनेंट व्यू है उस थ्योरी के अंदर ये सारी चीजें कही गई हैं अब एक एक करके आराम से आपको हर एक पॉइंट को समझना है देखिए रिसले एंड अदर्स बिलीव दैट इंडिया वॉज अ यूनिक लेबोरेटरी अब देखो रिसले और जो उनके फॉलोअर्स थे वो क्या एक चीज बिलीव करते हैं कि इंडिया जो है वो एक बड़ी ही यूनिक सी लेबोरेटरी है ठीक है अब इंडिया कैसे लेबोरेटरी है सो so, जैसे आपने साइंस पढ़ी है ठीक है साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आप कहाँ पर जाके करते हो लैब में जाके करते हो लेकिन जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है चाहे आप सोशोलॉजी पढ़ें चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें हमारी लेबोरेटरी क्या है हमारी लेबोरेटरी है ह्यूमन बींग्स हम यहां पर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम ह्यूमन बींग्स को ही स्टडी करते हैं तो इसीलिए रिसले और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये चीज बिलीव करते हैं कि इंडिया एक बहुत ही यूनिक लेबोरेटरी अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा बिकॉज फॉर स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ रेशियल टाइप्स बिकॉज कास्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स इंटर मैरिज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड हैड डन सो

इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम है और ये सिस्टम सेंचुरीज ओल्ड है है ये जो सेंचुरी करने वाले हो अपने ग्रुप के बाहर जाके शादी नहीं करोगे इंटर कास्ट मैरिजे जो है वो अलाउड नहीं है हमने कास्ट रूल्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है कास्ट से रिलेटेड भी ढेर सारे रूल्स हैं वो भी जो है घुरी ने एक्सप्लेन किए जिन्हें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो कास्ट में जो है आप किसी और कास्ट किसी और कास्ट के साथ में शादी नहीं कर सकते आपको अपनी कास्ट में रह के ही शादी करनी है और इस इंटर मैरिज पर जो रिस्ट्रिक्शन है इसकी वजह से जो ग्रुप्स हैं वो अभी भी डिफरेंट ही हैं यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में मिक्सिंग नहीं हुई जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये फोर कास्ट हैं तो ये फोर कास्ट के जितने भी पीपल हैं इंडिया के अंदर वो सभी अपने ग्रुप्स के अंदर रह के ही शादी कर रहे हैं कोई भी अपने ग्रुप से बाहर आया नहीं है तो यहाँ जितनी भी शादी हुई फिर जितने भी बर्थ हुए वो सब इसी ग्रुप में है यहाँ जितने हुए वो सभी इसी ग्रुप्स में है यानी ये जो कास्ट है इनके बीच में मिक्सिंग नहीं हुई है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो यानी आपको जिस डिस्क्रिमिनेशन या जिस डिस्टिंग डिस्टिंगाइज होने की बात ह्यूमन बींग्स के डिस्टिंगाइज होने की बात रिसले कर रहे हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जैसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल टाइप्स की बात कर रहे हैं वैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है और इस कास्ट सिस्टम की वजह से आज भी आपको ह्यूमन बींग्स में डिफरेंसिस देखने को मिलेंगे कहाँ पर इंडिया में इसलिए रिसले और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इंडिया को एक बहुत ही यूनिक लेबोरेटरी बोल रहे हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रिसले जो है वो इंडिया को एक बहुत ही यूनिक लेबोरेटरी क्यों मानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन सारे रीजंस की वजह से वो इंडिया को जो है एक यूनिक लेबोरेटरी मानते हैं और एक कोटेशन मतलब ये बहुत अच्छा है अगर आपको कभी किसी को एक्सप्लेन भी करना हो तो कि जैसे साइंस है तो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स लैब में जाके करते हैं इस केमिकल को इस केमिकल में मिलाओगे तो कुछ नया सा एक्सपेरिमेंट होगा कोई नई चीज बन जाएगी लेकिन यहाँ पर हमारे सारे एक्सपेरिमेंट सारे ऑब्जर्वेशन सब कुछ ह्यूमन बींग्स के ऊपर होता है हमारे लिए हमारी लेबोरेटरी ये ह्यूमन बींग्स ही है एंड मेन आर्ग्यूमेंट वाज़ दैट कास्ट मस्ट हैव ओरिजिनेटेड इन रेस बिकॉज डिफरेंट कास्ट ग्रुप टू बिलोंग टू रेशियल टाइप्स अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन आर्ग्यूमेंट रिसले कास्ट है ये रेस से ही ओरिजिनेट हुआ है हमने क्या बात करी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो साउथ अफ्रीका कॉन्सेप्ट है और जो कास्ट सिस्टम है वो इंडिया का कॉन्सेप्ट है लेकिन रिसले ऐसा बोल रहे हैं कि यह जो रेशियल सिस्टम था ये जो रेस है इसी के अंदर से कास्ट इमर्ज ठीक है थीके? इस सिस्टम सिस्टम के अंदर से ही ये जो कास्ट सिस्टम है ये इमर्ज हुआ है ऐसा रिसले बोल रहे हैं और अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं जैसे हम रेशियल टाइप्स की बात करते हैं ठीक है डिस्टिंग रेशियल टाइप्स यानी कि क्या जो अभी हमने डिस्कस किया कि चाहे तो आप उनके सरकम पर करो चाहे उनकी लेंथ ऑफ नोज चाहे वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम या फिर वो जो है किस तरह से ब्लैक्स हैं व्हाइट हैं है, इन सारी थ्योरी ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके रेशियल टाइप्स के अंदर से तो वो ये कहते हैं कि कास्ट ग्रुप्स में भी हमको डिफरेंट डिस्टिंग रेशियल टाइप्स देखने को मिलते हैं क्या बोल रहे हैं कि रेस से ही ये कास्ट सिस्टम निकला है क्योंकि कास्ट सिस्टम के अंदर जो रेशियल टाइप्स के फीचर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ऐसा कौन बोल रहे हैं ऐसा रिसले बोल रहे हैं नाउ इन जनरल द कास्ट अप्रोक्सीमेटेड इंडो आर्यन रेशियल ट्रेड्स वेल द लोअर कास्ट सीम टू बिलोंग टू नॉन आर्यन एबोरिजिनल मोंगोलाइड और अदर रेशियल ग्रुप्स तो उन्होंने इसी आर्ग्यूमेंट को और फर्दर क्या एक चीज कही देखो समझते हैं डिटेल में रिसले ने क्या कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो इस रेस सिस्टम के अंदर से ही या इस रेशियल सिस्टम के अंदर से ही इमर्ज हुआ है ये पूरा रेशियल सिस्टम है क्या हो गया इसको ये देखो ये पूरा रेशियल सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर से ही कास्ट सिस्टम निकला और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कास्ट सिस्टम में भी हमको कुछ रेशियल टाइप्स के रेशियल टाइप्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसे अपर कास्ट है जैसे जो अपर कास्ट है वो आर्यन पीपल की तरह दिखती है और जो लोअर कास्ट है वो नॉन आर्यन मंगोलाइट ग्रुप्स की तरह दिखते हैं समझना एक एक करके हर एक पॉइंट को ठीक है क्या कहा उन्होंने जो अपर कास्ट हैं, वो इंडो आर्यन रेशियल ट्रेड्स की तरह हमको देखने को मिलते हैं इंडो आर्यन रेशियल ट्रेड्स क्या एक चीज समझ रहे हैं की कास्ट के फीचर्स रेशियल फीचर्स से मिलते हैं तो का जैसे कास्ट में अपर कास्ट होती है तो ये अपर कास्ट जो रेसेस में हमारे इंडो आर्यन रेशियल ट्रेड हैं उनके जैसे दिखते हैं और जो लोअर कास्ट के हैं वो हमारे नॉन आर्यन जो मोंगोलाइट वगैरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी तरह देखने को मिलते इसलिए रेस और कास्ट के दोनों के फीचर जो है हमको मिलते जुलते दिख रहे हैं On the basis of differences between groups in terms of average measured for length of nose, size of cranium, etc., Risley and others suggested that the lower caste were the original aboriginal inhabitants of India. और इन सारे फीचर्स के बेसिस पर जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट जो है रेशियल टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं ग्रुप्स तो अगर एवरेज अगर हम देखें एवरेज यानी कि लेंथ ऑफ नोज क्रैनियम का कितना जो है वॉल्यूम है सरकम कितना है स्कल का इन सारी चीजों का एक एवरेज अगर हम देखें तो रिसले ये बोलते हैं कि जो रिसले और अदर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो लोअर कास्ट हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के ओरिजिनल जिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के क्या आर्ग्यूमेंट दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया है उन्होंने ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो ना कि किस थे और इंडो थे और जो अपर कास्ट है वो इंडो -Aryans की तरह है, जो लोअर कास्ट है वो नॉन की तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हो तो उसमें भी ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है नॉर्थ साउथ वाला जो डिबेट है अभी हम इसी में आगे उस एक चीज को भी पढ़ने वाले फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो चीज है बहुत तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है वो इंडो आर्यन उनमें देखने को मिलते हैं रेशियल ट्रेड्स और जो लोअर कास्ट है उसमें नॉन आर्यन रेशियल ट्रेड्स देखने को मिलते हैं यानी कि वो एक और चीज यहां पर सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो लोअर कास्ट के है, हैं यही शायद ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के कौन है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है इंडिया के ऐसा रिसले बोल रहे हैं क्लियर है समझिएगा हर एक टॉपिक को कोई भी टॉपिक आपसे स्किप नहीं होना चाहिए हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आप आगे भी सोशियोलॉजी पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट और रेस वाली और इस थ्योरी में जो चीज़ें कही गई हैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आपने पढ़ा और ख़त्म हो गया इसे आप आगे चल के भी पढ़ोगे इसमें बहुत डिबेट्स हैं बहुत डिस्कशन आपको पढ़ के जो है बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सोशियोलॉजी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है उसमें हर दिन कुछ नया होता रहता है

ये सच में मतलब इंडिया के हैबिटेंट्स थे लेकिन जब आर्यन पीपल आए तो वो आर्यन पीपल तो कहीं और से आए थे अब वो जो है इंडिया में सेटल हो गए तो इन्होंने जो है इन लोअर कास्ट के पर, मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया को उनको उन्होंने दबा दिया अब आपने आर्यन जो है इंडिया में आते हैं ये थ्योरी आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मतलब सिक्स टू टेंथ इन इस क्लास के बीच में आपने ये थ्योरी पक्का पढ़ी है कि आर्यन जो है वो इंडिया में आते हैं आर्यस इंडिया में अराइव होते हैं लेकिन आर्यन कहाँ से आए इस एक चीज पर बहुत सारे डिबेट्स हैं बहुत सारे डिस्कशंस हैं कि शायद सेंट्रल एशिया से आए थे शायद जो है वो इस एरिया के पास आए थे जैसे इंडिया का मैप है तो मान लीजिए इस एरिया के पास आए थे या शायद सेंट्रल एशिया से आए थे या कहीं और से आए थे इस तरह के ढेर सारे डिबेट्स हैं बहुत सारे डिस्कशंस है कि आर्यन कहाँ से आए लेकिन एक डिबेट माना जाता है कि आर्यन जो है सेंट्रल एशिया से आए और इस एक पार्ट से आर्यन जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं ये एक डिबेट है हिस्ट्री में इसे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे नहीं भी पढ़े तो आर्यन पीपल जो है वो इंडिया में आते हैं महाभारत में भी इस एक चीज का डिस्कशन आपको मिलता है बहुत सारी चीजों में आपने पढ़ा होगा नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूं। अब क्या होता है ये कहा जाता है कि जो लोग इंडिया में ऑलरेडी रह रहे थे जो ऑलरेडी रह रहे थे वो कौन हो गए ओरिजिनल इनहेबिटेंट हो गए जिन्हें आज हम लोअर कास्ट के नाम से जानते हैं ऐसा रिसले बोल रहे हैं यहाँ जो भी चीजें वो मैं नहीं बोल रही हूँ सब कुछ रिसले बोल रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप यहाँ पर थ्योरी को पढ़ोगे तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये जो थॉट्स हैं ये जो सारे व्यू पॉइंट्स हैं ये उस सोशियोलॉजिस्ट ने दिए और उन्होंने अपने टाइम में दिए तो यहां हम एक इमेजिन कर रहे हैं सिनेरियो नाइनटीन नॉट वन के आसपास का तो अब उन्होंने क्या एक चीज़ मानी कि जो यहां पर ओरिजिनली पीपल रह रहे थे इंडिया में उन्हें कास्ट सिस्टम ने लोअर कास्ट कह दिया और लोअर कास्ट इसलिए कहा क्योंकि जब आर्यन आए तो आर्यन जो है यहां से एंटर होते हैं एंटर होते हैं अब वो सेटल हो जाते हैं इंडिया में तो वो क्या करते हैं इस पूरे एरिया में जितने भी लोग रह रहे थे इंडियन ओरिजिनल पीपल जो थे उनको उन्होंने यहां नीचे शिफ्ट कर दिया यहां पर जो है मतलब उनको सब्जुगेट कर दिया और ख़ुद यहां पर रहने लग गए ऐसी थ्योरी एक जो है प्रिवेल करती है चाहे आप इसको हिस्ट्री में पढ़ना चाहे आप इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाहे आप इसको सोशियोलॉजी में पढ़ना आपको ये थ्योरी मिलेगी पढ़ने को यहां पर जीएस रिसले जो है रिसले भी इसी एक चीज को बोल रहे हैं कि एक आर्यन जो है जब वो इंडिया में एंटर करते हैं तो जो अपर कास्ट के हैं उनको आर्यन मान लिया गया इंडो आर्यन मान लिया गया जो यहां पर सेटल हो गए थे और उन्हें अपर कास्ट कंसिडर कर लिया गया और जिनको इन्होंने सब्जुगेट कर लिया था वो नॉन आर्यस मोंगोलाइट पीपल हो गए जो कि शायद इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे जिन्हें आज हम लोअर कास्ट के नाम से जानते हैं ये रिसले की थ्योरी है मैं बार बार बोल रही हूँ ठीक है यहाँ मेरा कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं लोअर कास्ट को जो है वो सब्जुगेटेड बता रही हूँ या मैं अपर कास्ट को आर्यन बता रही हूँ ये रिसले की थ्योरी है Clear है so, मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो कमेंट बॉक्स में ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है सबोर्डिनेटेड बता रही है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लियर है यहां तक आया आपको समझ में क्या थॉट्स थे नाउ घुरी डिड नॉट आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय रिस्ले बट बिलीव्ड इट टू बी ओनली पार्शियली करेक्ट अब यहां तक हमने रिस्ले की थ्योरी पढ़ी रिसले ने क्या थ्योरी दी वो आपको समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं तो वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि फिजिकल कैरेक्टर्सिस्टिक्स के बेसिस पर और इन्होंने जो है रेस और कास्ट के रिलेशनशिप बताई किसके रिलेशनशिप हमने पढ़ना क्या स्टार्ट किया था रेस एंड कास्ट इन इंडिया में कि रेस और कास्ट इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशनशिप जो है डोमिनेंट थ्योरीज ने बताई है उसको क्रिटिसाइज किया है घुरिये ने तो रेस और कास्ट के बीच में जो डोमिनेंट व्यू था हर्बर्ट रिस्ले का वो क्या था कि ह्यूमन बींग्स को डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चाहे उनकी और स्कल की लेंथ ऑफ नोज वॉल्यूम ऑफ क्रैनियम ठीक है इस तरह से रेशियल फीचर्स के बेसिस पर हम उनको जो है डिवाइड कर सकते हैं अब उन्होंने रेस और कास्ट को किस तरह से एक उसका रिलेशनशिप बनाया उन्होंने कहा कि ये जो कास्ट सिस्टम इंडिया में है ये इस रेशियल सिस्टम से ही इमर्ज हुआ है और इस कास्ट सिस्टम के जो भी फीचर्स हैं वो रेशियल सिस्टम से बहुत ज्यादा मिलते हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम में एक अपर कास्ट होती है एक लोअर कास्ट होती है तो अपर कास्ट इंडो आर्यन से मिलती है इंडो आर्यन जो कि आप रेशियल ट्रेड्स के अंदर पढ़ते हो

नहीं करते थे यानी कि वो अग्री करते थे, लेकिन वो ये ये कहते थे कि ये करेक्ट है, आधी सही है लेकिन आधी चीजें जो है इसमें वो थोड़ी सी, मतलब कुछ गलत हैं, ठीक है पूरी तरह से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं लेकिन पार्शियली करेक्ट बोल रहे हैं रिसले की थ्योरी को अब उन्होंने क्या बताया इसमें उन्होंने कहा he pointed out that the problem with using averages alone without considering the variation in the distribution of a particular measurement for a given community dikkat kahan par hai dikkat yahan par hai ki jo hum ek average use kar rahe hain jaise humne aap se kaha ki circumference of skull length of nose volume of the cranium इन सारी चीजों का एक average अगर हम निकाल लें ये बात कौन कर रहे हैं रिसले ने कहा ना यहां पर कि अगर आप average measurement करो तो रिसले suggest करते हैं कि जो lower caste है वही original inhabitants हैं ये कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर एक एवरेज निकाल लो इन सारी चीजों का तो जो लोअर कास्ट है वो नॉन आरियंस की तरह दिखते हैं और यही शायद ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है तो वो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इस एवरेज को निकालने में ही है अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर और भी वेरिएशंस होते हैं कहीं ना कहीं हम उन्हें इग्नोर करते रहे हैं ठीक है हम सिर्फ एक एवरेज पर चल रहे हैं उसके अंदर भी और भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर चीज को हम इग्नोर करेंट थीसिस ऑफ द अपर कास्ट बींग आर्यन एंड द लोअर कास्ट बीग नॉन आर्यन वॉज ब्रॉडली ट्रू ओनली फॉर नॉर्दर्न इंडिया अब गुरियन ने ये कह दिया कि ये जो रिस्ले ने थीसिस दिया है कि जो है आर्यन एंटर करते हैं और फिर जो अपर कास्ट है वो इंडो आर्यन है और जो आपकी लोअर कास्ट है वो नॉन आर्यन है ये 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 जो रिसले ने थीसिस दिया ये सही है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए सही है ये साउथ इंडिया के लिए सही नहीं है ये India, ये साउथ इंडिया हैंगेटिक प्लेन कैसे उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया देखिए इस मैप में आपने जैसे देखा कि ये पूरा ऊपर जो है नॉर्थ इंडिया देखने को मिल रहा है ये जितना पूरा है ये साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा है ये यहाँ ईस्ट वेस्ट आ गया लेकिन एक जो डिबेट है तो वो ये कहते हैं कि ये कहना कि अपर कास्ट आर्यन थे और लोअर कास्ट नॉन आर्यन थे ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सही है नॉर्थ इंडिया के लिए ये डिबेट सही है इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया द इंटर ग्रुप डिफरेंस इन द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट नॉट वेरी लार्ज और सिस्टमेटिक दिस सजेस्टेड दैट इन मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द इंडो वेरी लॉन्ग टाइम वो ये कहते हैं कि आपने ये तो कह दिया कि अपर कास्ट आर्यन है और लोअर कास्ट जो है वो नॉन आर्यन है ठीक है हम मान ले रहे हैं लेकिन ये हम मानेंगे सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए क्योंकि जो दूसरे पार्ट्स हैं इंडिया में वहां पर इंटर ग्रुप डिफरेंसेस हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में एंथ्रोप्रोमेट्रिक मेजरमेंट्स यानी बॉडी और साइज बॉडी और साइज को अगर हम मेजर करें सो so जैसे मानते हैं ना कि कहीं पे बहुत लंबे हैं कहीं पे बहुत छोटे लोग हैं और कहीं पर जो है जैसे आप लेंथ ऑफ नोज की बात करें तो कहीं बहुत बड़ी है कहीं बहुत छोटी है और कोई फैट के बेसिस पर अगर आप देखो कोई बहुत मोटा है कोई बहुत पतला है इस तरह से जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं इसमें इंटर ग्रुप डिफ्रेंसेस होते हैं जैसे आपने मान लिया कि आपने एक अपर कास्ट को मान लिया कि जितने भी आ हैं वो सभी अपर कास्ट में आते हैं लेकिन अपर कास्ट के अंदर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं और डिफरेंसेज होते हैं एक ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं इस चीज पर फोकस किया घुरिये ने और इस एक चीज ने मतलब इस एक पॉइंट से हम ये समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडिया में एक्सेप्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन इंडो गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया को छोड़ के, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ में मिक्सअप कर रहे हैं बहुत लंबे समय से अब ये उन्होंने किस तरह से कहा जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने मान लिया कि जिसके पास में इंडो आर्यन ट्रेड्स हैं वो सभी अपर कास्ट के लेकिन इस अपर कास्ट के अंदर और भी तो ढेर सारे डिफरेंसेस हैं इन पीपल के अंदर और भी ढेर सारे वेरिएशन हैं उन्हें आप कैसे कंसिडर करोगे अगर आप उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हो तो मतलब बहुत लंबे समय से डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स के पीपल एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होते चले आ रहे हैं ऐसा घुरिये ने कहा एंड दस रेशियल प्योरिटी हैड बीन प्रिजर्व ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑफ इंटर मैरिज ओनली इन हिंदुस्तान प्रॉपर नॉर्थ इंडिया अब ये एक पॉइंट बहुत ही डिबेटेबल है लेकिन ये जीएस घुरिए का व्यू पॉइंट है ठीक है जैसे हमने देखा कि ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे डिबेट्स होते हैं बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कोई भी टॉपिक पर आप जितना डिबेट करोगे ना वो हमेशा चलता ही रहेगा तो जैसे एक यहां पर इन्होंने डिबेटेबल पॉइंट दे दिया है इन्होंने ये कहा कि जैसे रिसले ने कहा कि जो है आर्यंस जो है वो अपर कास्ट हैं और लोअर कास्ट जो है वो नॉन आर्यंस हैं और ये डिबेट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सही है तो अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बनाया जा रहा है तो रेशियल प्योरिटी अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो मतलब प्योरिटी जैसे कास्ट में माना जाता है ना कि जो मैरिज होगी वो इंटर मैरिज नहीं होगी अगर आप अपने ग्रुप के बाहर जाके शादी कर लेते हो तो आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं हो ये चीज़ें मानी जाती हैं कास्ट के अंदर तो अगर ये सारे वेरिएशंस बनाए जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप अपनी ही कास्ट में है और वो किसी और के साथ में मिक्सअप नहीं हो रहा यानी कि वो अपनी प्योरिटी बना के रखा हुआ है तो इस तरह से जो रेसिस की प्योरिटी है जो रेशियल प्योरिटी है वो शायद सिर्फ और सिर्फ मैरिज को रोक के हिंदुस्तान प्रॉपर में ही बनाई गई है यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है ये ऐसा कह रहे हैं जी एस गुरिया ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही मतलब सिर्फ और सिर्फ रेशियल प्योरिटी मेंटेन करके रखी गई है इन द रेस्ट ऑफ कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ एंडी मे और बाकी कंट्री पूरी जो बाकी की कंट्री है जैसे पर वो एक क्या चीज समझ रहे हैं सबसे मेन चीज ये समझो कि रेस और कास्ट दोनों के बीच की रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उन्होंने जैसे कि कहा रिसले ने की जो कास्ट है वो रेस से ही निकल के बाहर आया तो उसी आर्ग्यूमेंट को वो आगे सपोर्ट करें बस वो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने एक डायमेंशन बना दिया कि अपर कास्ट जो है वो इंडो आर्यन है और जो लोअर कास्ट है वो नॉन आर्यन है तो ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करता है बाकी कंट्री में पूरी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो रहे हैं बहुत लंबे समय से लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं है ना इस एक चीज़ को उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि फिर इस इस आर्ग्यूमेंट से तो फिर ऐसा लगता है कि रेशियल प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर हम इंटर मैरिज को प्रोहिबिट कर रहे हैं एंड बाकी पूरी कंट्री में जो एंडी है एंडोगेमी यानी जहां पर आप सिर्फ अपनी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही शादी करोगे ये जो प्रैक्टिस है इसको डिफरेंट ग्रुप्स में हमने फिर आगे चल के इंट्रोड्यूस किया धीरे धीरे हमने बाकी ग्रुप्स जो पहले से मिक्सअप हो रहे थे फिर हमने उनमें भी इंट्रोड्यूस किया ताकि रेशियल जो वेरिफिके मतलब रेशियल वेरिएशन जो है वो बना रहे एंड टूडे द रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट इज नो लॉन्गर बिलीव्ड बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी इट स्टिल ट्वेंटियंसिडर्ड टू बी ट्रू लेकिन आज के समय में प्रेजेंट सोसाइटी में अगर हम देखें तो ये जो रेशियल थ्योरी है कास्ट को लेके इसको अब बिलीव नहीं किया जाता इंडियन सोसाइटी को अगर आप डिटेल में स्टडी करोगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कास्ट है मतलब इस एक चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स कैसे हैं या फिर आपके स्कल का साइज कितना आपकी लेंथ ऑफ नोज कितनी इस एक चीज से कोई मतलब नहीं है सिर्फ कास्ट मैटर करती है अभी अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अब तो हमने कास्ट को बहुत इरेडिकेट करने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आज भी कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेल करता है ये स्पेशली मैरिजेस में अगर हम देखें तो यहाँ कास्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है इंटर इंटरमैरिजेस आज भी हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी ट्वेंटी तक आते आते हमने रिलेशनशिप को मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको उस एक टाइम पीरियड पर जाके समझना है अब जैसा हमने देखा कि वेस्टर्न यूरोप में ही नाइनटीन सेंचुरी में सोशोलॉजी ग्रो करता है हमारे यहाँ तो एक सेंचुरी बाद आता है ट्वेंटी में और उसमें भी ये जो पाइन

फिर घुरिये ने कास्ट और रेस को समझने की कोशिश करी लेकिन प्रेजेंट सोसाइटी क्या कहती है आज हमको ये रेस और कास्ट वाले जो थ्योरी है ये हमें देखने को मिलती नहीं है आज सबसे ज्यादा क्या प्रिविलेंट है इंडियन सोसाइटी में तो वो कास्ट सिस्टम ही है रेस से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कास्ट मैटर करती है सो वैसे ही यहां पर जो पूरा आर्ग्यूमेंट है सिर्फ जीएस घुरिये ने थोड़ा सा क्या अलग किया उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हैं जहां पर हमको ये जो मतलब बहुत लंबे समय से मिक्सअप होती आ रही है हमको इनको भी इंटरमेरिज

अगर आप आर्यस के अराइवल में आर्यंस के अराइवल को पढ़ने बैठेंगे तो आज ही आपको मतलब वो उस एक टॉपिक को पढ़ने में आपको एक दो तीन घंटा लग जाएगा क्योंकि इतने सारे डिबेट्स हैं कि आर्यंस एग्जैक्टली exactly आए कहाँ से हैं है ना तो वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक्स हैं हाउ एट द टाइम दैट गुरियव वॉज राइटिंग दीज वर अमंग द कंसर्स ऑफ द डिसिप्लिन विच इज वाई इज अट्रैक्टेड अटेंशन लेकिन क्या हुआ जिस समय घुरिये ये सारी चीजें लिख रहे थे तो वो सोशोलॉजी को ध्यान में रख के लिख रहे थे उन्हें तो हिस्टोरियन से या आर्यन से इन सारी चीजों से इतना अफेक्ट नहीं था लेकिन वो सोशोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे वो तो सोसाइटी को समझना चाहते थे और इसीलिए उस एक टाइम पीरियड में क्योंकि डिबेट्स भी चल रहे थे इसीलिए उनकी राइटिंग्स को इतना ज्यादा अटेंशन जो है वो मिल जाता है क्लियर है सो so घुरिये ने कास्ट और रेस के ऊपर क्या सारी चीजें की आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब उन्होंने कास्ट के कुछ फीचर्स भी बताए हैं जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट नहीं होगा थ्योरीज को क्योंकि हमको जो है बहुत ध्यान से समझना होता है हर एक पॉइंट को कहीं भी कुछ भी जो है मिक्स नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि रिसले और घुरिये ने जो कास्ट और रेस पे क्या व्यू पॉइंट दिए तो उसमें आप अपना व्यू पॉइंट नहीं लिख सकते आपको थ्योरी पहले बतानी पड़ेगी तो इसीलिए थ्योरी को जो है हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहिए क्लियर है आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एक और चीज कि आप मैग्नेट बीस की वेबसाइट कैसे एक्सेस करोगे तो यूट्यूब के अलावा आप गूगल पे भी ये सारी सारे वीडियोस को देख सकते हैं जस्ट गूगल पे जाओ एंटर करो मैग्नेट ड्रींस डॉट कॉम जैसे ही एंटर करोगे मैग्नेट ड्रींस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा स्क्रॉल करोगे देखोगे किडर गार्डन से लेके ट्वेल्थ क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं लाइक like एन है ओलंपियाड है वन शॉट डिविजन एक्स्ट्रा लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब आपको क्या करना है जो भी क्लास जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर एक क्लिक करना है जैसे मान लीजिए आपको क्लास पढ़ना है आपने क्लास इलेवन चूज किया ये इलेवंथ में आगे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस स्क्रॉल करोगे और भी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज आएंगे चैप्टर क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे अब सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो सो बहुत ही ईजिल आप मैग्नेट बेन्स वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या आपको हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है सो so, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच